नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चश्मा नहीं उतरवाएंगे आपका। आपको चश्मा एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों के लगा हुआ है, ठीक है, उन लोगों की एक शिकायत ये रहती है कि भाई मेरा चश्मा मैं लगा रहा हूँ रेगुलर और फिर भी मेरा नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो इसको नंबर बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक तो हमारी जो एक्चुअली चश्मा लगाने के बाद में जो हमारी हैबिट होती है वो चेंज नहीं हो पाती है, ठीक है, जो हमारी हैबिट है वो स्टिल वैसी ही बनी हुई है। हाँ, तो हमको एक्चुअली क्या है उन हैबिट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। तो और दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम एक्चुअली जो जिस वजह से हमारा चश्मा आया है और वो वजह स्टिल वैसी की वैसी है, सिर्फ हमने जो है अपना जो रिफ्रेक्टिव एरर है उसका सिर्फ करेक्शन किया हुआ है। सो दैट अभी क्या करना है कि एक तो जो प्रॉब्लम आपकी ये है कि भाई मैं चश्मा लगा रहा हूँ रेगुलर या लगा रही हूँ मैं रेगुलर और फिर भी मेरा नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आज हम आपको जो है चश्मा नहीं हटवाएंगे, आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपका जो चश्मा लगा हुआ है और वो चश्मा अगर आप लगा रहे हैं रेगुलर तो उसका नंबर जो है स्टेग्नेंट कैसे करें, कैसे उस नंबर को जो है वहीं के वहीं रोक दें या थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, या दूसरी चीज़ ये है कि वो नंबर बढ़े ना, ठीक है। इसके लिए एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है चश्मा ना उतार, नहाते समय उतारना है। मैं नहा के आया हूँ अभी, तो उस समय क्या करना है आपको कि एक जब आप नहा रहे हैं एक्चुअली, अब आ जाइए काम की बात के ऊपर, जब आप नहाते हैं जिस समय पे और साबुन लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके नहा लिए और हो गया पानी डाल दिया। अच्छा, इस बीच में क्या है आपके पास टाइम होता है नहाने में, जैसे मैं तो भाई एक मिनट में नहा लिया, मैं तो आधा मिनट में नहा लिया, मैं तो एक बाल्टी से नहा लिया, मैं दो मग्गे से नहा लिया, इस तरीके से काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। तो लेकिन आपको नहाना क्या है, नहाना आप कितने भी उससे नहाइए कोई दिक्कत नहीं है अपने से, ठीक है, लेकिन आपको नहाते समय दो मिनट का सिर्फ एक एक्सरसाइज तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि आपका चश्मा का नंबर ना बढ़े इसके लिए ये है कि आप हाथों में क्या है साबुन लगाइए, ठीक है, साबुन लगाने के बाद में अपने फेस पे आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ पे ये मालिश, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मालिश। एक्चुअली साबुन क्यों लगा रहे हैं हम लोग कि वो थोड़ा सा चिकना हो जाए, ठीक है, हमारे फ्रिक्शन थोड़ा सा स्किन का और उंगलियों का कम हो जाए, ठीक है, ये मालिश यहाँ पे ये मालिश पूरा ये ऊपर से नीचे ऐसे ये यहाँ से नीचे ये ऊपर होके ये और यहाँ पे ये ऊपर भी। अगर आपने 10 टाइम ऐसे किया है तो 10 टाइम रिवर्स भी करना है इसको, ठीक है, ये आगे ऐसे क्लॉकवाइज मान के चलिए और एंटी क्लॉकवाइज 5 5 to 10 10 टाइम अपना कर जो है ये कीजिए, 5 टाइम ये 5 टाइम ये, फिर यहाँ से ये ठीक है, और यहाँ पे फोरहेड पे ऐसे 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 करके। एक्चुअली आप जो मसाज कराते हैं ना फेस की, वो कराते हैं महीने में एक बार, कभी कराया आपने, या कभी आप शेविंग करा रहे हैं तो उसको बोलते भाई मेरे मसाज कर दे थोड़ा सा, तो वो चीज़ आपको अपने फेस की डेली करनी है, ठीक है। जब आप अपने फेस की डेली मसाज करेंगे तो फेस आपका जैसे क्या होगा एकदम, अभी मैंने किया मेरा चेहरा ना एकदम गर्म हो गया, ठीक है, इसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी क्या है फेसियल मसल्स हैं सारी की सारी ब्लड से पूरा एनर्जी से भर गई है, कहने का मतलब मेरे चेहरे में से एकदम गर्मी निकल रही है, तो ये तो मैंने अभी ऐसे किया है, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि जब नहाते समय करेंगे तो आपका जो वो है सारी मसल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई पूरी होगी और जितना न्यूट्रिशन उनको चाहिए होता है एक्चुअली किससे चाहिए होता है, ब्लड से चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है यहाँ पे ये आपकी जो स्किन है वो सिकुड़ती है, ठीक है, देखा होगा आपने जितने जो भी एज जिनकी जैसे मान के चलिए 40 या उससे ऊपर की है तो यहाँ पे सलवटें आने लगती, मैं भी इसको स्क्वीज कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो इन सलवटों की वजह से भी आपका नंबर बढ़ता है। अच्छा, इस एक्सरसाइज से हम क्या कर रहे हैं आपकी जो सलवटें हैं आँखों के अंदर, ठीक है, जो मैं अभी उनके बारे में बता रहा हूँ जो कि 40 या 40 से अबव है, ठीक है,
इससे पहले मैंने बताया था जो 40 से नीचे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को डेली बोलो भाई ऐसा है अपना 5 मिनट चेहरे की मालिश करो, नहाते समय टाइम आपको मिलेगा, 2 मिनट मिल सकता है, 3 मिनट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब कीजिए रेगुलर, और अपने चेहरे को तेजोमय बनाना है आपको। चेहरे में से ये बोलते हैं भाई उसके चेहरे के ऊपर तेज है, कैसे तेज है, तेज इसलिए है कि भैया वो मालिश कर रहा है अपने चेहरे की जो है डेली, ठीक है। तो आपके चेहरे के अंदर जो डेड सेल्स हैं वो तो खैर चलिए कोई बात नहीं, स्क्रब करने से हटती हैं, लेकिन आपको डेली मालिश करनी है। और अपने फेस के अंदर अपनी आईज़ का नंबर अगर स्टैग्नेंट रखना है, ब्लड की सप्लाई अपना जो फेसियल मसल्स में और अपने चेहरे पे, फोरहेड पे, इन सबको क्या है अच्छी तरीके से मालिश करनी है, यहाँ पे ये सारा ये लेकिन ऐसा है तीन उंगलियों को ऐसे पकड़ के करना है, ऐसे ऊपर ये और अपोजिट उतना ही, 10 बार अगर ऐसे है तो 10 बार फिर ऊपर साबुन लगा के जैसे अपने जब नहा रहे हैं आप जो, ठीक है। तो कीप डूइंग एक्सरसाइज लाइक दिस एंड रिमूव योर स्पेक्टिकल और स्टैग्नेंट योर नंबर प्रेस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।